अलीगढ़ में मासूम बच्ची से दरिंदगी के केस में घिरा प्रशासन, सीएमओ ने कहा नहीं हुआ रेप, मगर डीजी बोले पॉक्सो एक्ट में होगी कार्रवाई। मासूम से दरिंदगी मामले में गठित की गई एसआईटी, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित, अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। भयानक घटना पर खुद को पाक साफ बताने में जुटी योगी सरकार, यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले यूपी में घटा है अपराध का स्तर। अलीगढ़ में मासूम बच्ची से दरिंदगी के मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जताया दुख, राहुल ने कहा पीड़ित परिवार के दुख की कल्पना नहीं कर सकती। बच्ची से दरिंदगी करने वाला असलम है आदतन अपराधी, 2014 में रिश्तेदार की बेटी से रेप का मामला हुआ था दर्ज। दिल्ली के अमर कॉलोनी में पार्किंग विवाद में एक शख्स की बुरी तरह से हुई पिटाई, आरोपियों ने लाठी डंडे और तलवार से किया वार। दिल्ली के साउथ एवेन्यू इलाके में सर्वेंट क्वार्टर में 50 साल के शख्स की हत्या, रेता गया गला। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का भड़का आक्रोश, सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली में जीवनदीप बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सतना में मारपीट की तस्वीरें आई सामने, लड़की ने प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही भाइयों को जमकर पीटा। कानपुर में खड़ी बस में लगी भीषण आग, चंद मिनट में बस खाक। मुजफ्फरनगर में लूट का माल ठिकाने लगाने जा रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार। देवबंद में तेज रफ्तार कार में सेल्फी लेना पड़ा भारी, संतुलन बिगड़ने से पलटी कार, 5 युवक घायल। जौनपुर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बस से लगी आग, दर्जन भर यात्री झुलसे। फिरोजाबाद में पुलिस ने उड़ाई इंसानियत की धज्जियां, नाले में मिले शव को कूड़े की तरह जेसीबी मशीन में भरकर अस्पताल ले गई। आगरा में कारोबारी को जबरन उठा ले गए बदमाश, पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। भीषण गर्मी के बीच तेज आंधी तूफान ने मचाई तबाही, अकेले उत्तर प्रदेश में 19 की मौत। लखीमपुर खीरी में भयानक तूफान का कोहराम, गाड़ियों पर गिरे पेड़, गाड़ियां चकनाचूर। जबरदस्त आंधी तूफान से एटा में 2 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। बांदा में अवैध खनन और पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी विधायक का सड़क पर विरोध प्रदर्शन, लंबे जाम में फंसे लोग। यूपी के हापुड़ में छात्र की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। सीतापुर में नगर पालिका प्रशासन की भारी लापरवाही, बिजली का करंट लगने से गौशाला में 7 गायों की मौत। सहारनपुर में गन्ना किसानों ने किया गन्ना भवन का घेराव, बकाया भुगतान न होने से नाराजगी। हाथरस में पानी की समस्या, 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर गांव वाले। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है बुंदेलखंड का महोबा, पानी के लिए युद्ध जैसा माहौल। लड़की भगाने के शक में रामपुर में एक युवक को लोगों ने बुरी तरह से पीटा, छीन लिए 92,000 रुपए। प्रयागराज में सड़क पार कर रहे बच्चों को बाइक सवार ने मारी टक्कर, 7 साल के मासूम की मौके पर मौत। मुरादाबाद में भयानक तूफान के साथ गिरी बिजली, 1 किसान की मौत। सूखे की जबरदस्त मार झेल रहे हमीरपुर में स्थिति भयानक, नदी नाले सूखे, हैंडपंप में नहीं आ रहा पानी। कानपुर में खुदाई के दौरान पीएनजी पाइपलाइन में लगी आग, आग की चपेट में आई कार। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट, चोरी का सामान बरामद करने पहुंची थी पुलिस। एमपी के खरगोन में नाबालिग की हत्या, आरोपी ने डरकर खुद भी लगाई फांसी। इंदौर में जबरदस्त बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इंदौर में जल विभाग के दफ्तर के बाहर लोगों का मटका फोड़ प्रदर्शन, पानी न आने से परेशान है लोग। मध्य प्रदेश के दामोह में पानी न होने से हाहाकार, गांव वालों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के पन्ना में NH-39 पर टूरिस्ट बस पलटी, दर्जन भर यात्री घायल। मध्य प्रदेश कोहराम, नौगांव, होशंगाबाद, ग्वालियर में पारा 47 के पार। मध्य प्रदेश के दामोह में गर्म हवाओं का तांडव, लू लगने से 1 शख्स की मौत। इंदौर में बिजली कटौती से लोग त्रस्त, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती और लालटेन बांटकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी बिजली कटौती से परेशानी, लोगों ने कहा शिवराज सरकार में नहीं होती थी इतनी कटौती। मध्य प्रदेश के धार में डकैती करने आए डकैतों से ग्रामीणों की भिड़ंत, पकड़ा गया कुख्यात बदमाश बोबड़ा। सतना में बाइकर्स गैंग ने ढाबा संचालक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 की मौत। मध्य प्रदेश के धार में मोबाइल फटा, 10 साल के बच्चे की मौत। उमरिया के डीएम की सराहनीय पहल, अपने दफ्तर का एसी निकलवाकर एनआरसी केंद्र में बच्चों के लिए लगवाया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, मंदिर में भगवान के लिए लगाया गया एसी। बिहार के बेगूसराय में बोरे में बंद मिला मासूम का शव, कल से लापता था बच्चा। बिहार के सीतामढ़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का अभियान तेज, देर रात पूरे जिले में छापेमारी, 75 अवैध अस्पताल सील।
बिहार के बेगूसराय में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, 586 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बिहार के मुंगेर में जबरदस्त पानी का संकट, कई हैंडपंप सूखे। बिहार के मुजफ्फरपुर में पानी की जबरदस्त किल्लत, 22 पंचायतों में पानी न होने से कोहराम। पुरुलिया में नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी ने की खुदकुशी की कोशिश, वेतन न मिलने से परेशान। पटना में 3 नर मुंड मिलने से सनसनी, पुलिस कर रही है जांच। गया की महादलित बस्ती में पेयजल का संकट, पानी के लिए लगती है लंबी कतार। आजमगढ़ में विदेश से लौटने के बाद शौहर ने बीवी को दिया 3 तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। फतेहाबाद में नाइजीरियन युवक से नशे की 19,000 गोलियां बरामद, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में प्रेमी जोड़े ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी, दोनों थे विवाहित। राजस्थान के भरतपुर में सरकारी अस्पताल का बुरा हाल, अस्पताल में स्ट्रेचर और दवाइयों की किल्लत। राजस्थान के झालावाड़ में तेंदुपत्ता से लदी ट्रॉली में भीषण आग, जलती गाड़ी को रिहायशी इलाके से दूर ले गया बहादुर ड्राइवर। राजस्थान के करौली में अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना ने भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन, जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ नाराजगी। फतेहपुर शेखावटी में गर्मी का कहर, मंदिर में भगवान के लिए लगाए गए पंखे कूलर। राजस्थान के धौलपुर में पारा पहुंचा 49 डिग्री के पार, पानी का संकट बढ़ा। राजस्थान के बूंदी में पानी का भयानक संकट, पानी के लिए संघर्ष, कई घायल। राजस्थान के राजसमंद में वेवर महादेव मंदिर के संत की हत्या के आरोपी हिरासत में। रांची में भीषण गर्मी ने जीना किया मुहाल, जल संकट से पशु पक्षी इंसान बेहाल। दामोह में बदमाशों ने हार्डवेयर की दुकान में बंदूक की नोक पर की लूटपाट, दुकानदार से मारपीट। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़, मारे गए 4 आतंकी। जम्मू कश्मीर के कठुआ, उधमपुर, डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, 4 संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक, 1 पुलिसकर्मी घायल। अनंतनाग में टेरिटोरियल आर्मी का जवान शहीद, आतंकियों पर हत्या का शक। साइबर टेरर पर एनआईए की बड़ी तैयारी, 24 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों और राज्यों की पुलिस को दी गई साइबर खतरे से जुड़ी ट्रेनिंग। सोलापुर पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसे के बाद बस में लगी आग, 13 मुसाफिर बुरी तरह घायल। मुंबई में एनआईए कोर्ट में पेश हुई आरोपी साध्वी प्रज्ञा पर है मालेगांव बम धमाके का आरोप। महाराष्ट्र के यवतमाल में भी जोरदार आंधी तूफान, बिजली गिरने से 3 मजदूरों की मौत। अहमदनगर के धवलपुरी में तालाब में नहाने गए 3 भाइयों की डूबने से मौत, परिवार में मातम। छत्तीसगढ़ के झाबुआ में पेयजल का संकट, आदिवासियों को दूर दराज के इलाकों से ढूंढना पड़ रहा है पानी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मेघालय के गवर्नर के खिलाफ बोला हल्ला, गवर्नर तथागत रॉय ने किया था विवादित ट्वीट। नहीं थम रहा बंगाल में हिंसा का दौर, बर्दवान में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बारासात में टीएमसी कार्यकर्ता की पिटाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप, रेस्क्यू करने गए पुलिस वालों से झड़प। बेंगलुरु में गैंगवॉर की तस्वीरें आई सामने, पुलिस कर रही है छानबीन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, 7 घायल। पंजाब के गुरदासपुर में शुगर मिल के चेयरमैन ने 6 साल के बच्चे और उसकी मां पर बरसाए डंडे, बच्चे का हाथ टूटा। पंजाब के आनंदपुर साहिब में 50 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। लुधियाना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। संगरूर में 150 फीट नीचे बोरवेल में गिरे बच्चे का अब तक नहीं हो सका है रेस्क्यू, कल बोरवेल में गिरा था 2 साल का मासूम। फरीदकोट के कोटकापुर और बहवल कला गोलीकांड की जांच में 5 पुलिसकर्मी ठहराए गए दोषी, एसआईटी की रिपोर्ट में लगाए गए गंभीर आरोप। खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।